चिंगम का चंदू से बचना ये इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल। ओ चित्रगुप्त, मैं तंग आ गया हूँ ये रोज के काम से। पिछले 5,000 साल से मैं यही तो करता आ रहा हूँ, अब मुझे छुट्टी चाहिए। महाराज, यदि आप छुट्टी पर चले गए तो लोगों के भाग्य कौन लिखेगा? लोगों का भाग्य लिखते लिखते मैं अपना भाग्य ही लिखना भूल गया। मैंने बचपन में कभी कोई मस्ती मजा किया ही नहीं, बस काम काम और सिर्फ काम। और ये सूटकेस किसका है भाई? चाचू, लगता है किसी का सूटकेस गिर गया। इसे बंदूक लीजिए के हवाले कर देते हैं, वो इसके मालिक को ढूंढ निकालेंगी। चाचा भतीजा हमेशा हमारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। सारे फसाद की जड़ ये किताब है, मैं इसे ही फाड़ दूंगा। टंका के सर पे एक पाइप गिरेगा। क्या? टंका के कपड़े फट जाएंगे। अरे, ये कैसे हो सकता है? क्या बोला? बचाओ बचाओ, यहाँ मेरे कपड़े फट रहे हैं और तुझे हंसी सूझ रही है। जिज्जे, हमें भविष्य बताने वाली किताब मिल गई है, इसमें जो कुछ भी लिखा था वो सच हो गया। हम इसका इस्तेमाल करके चाचा भतीजे को मजा चखा सकते हैं। ओहो चित्रगुप्त, जल्दी चलो, हमारी किताब किसी गलत हाथ में नहीं पढ़नी चाहिए। महाराज, भविष्यवाणी की किताब फंटूस नगर में गिरी है, इसलिए हम यहाँ की पुलिस के पास जाकर पूछताछ करेंगे। बच्चों, कोई चीज अगर गुम हो जाए तो कैसे मिलती है? अंकल, इतना भी नहीं मालूम, पुलिस पे रिपोर्ट लिखाओ। पुलिस? चलो पुलिस स्टेशन। जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए महाराज। ओ पाई साहब, पहले हम आए थे तो पहले हम बात करेंगे। हम हैं यम, किसी का इंतजार नहीं करते हम। ओए यमराज हो तो तुम्हारा पैसा कहाँ है? झूठे कहीं के? हाँ, हमें झूठा कहा। बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ। और मेरे सिर पे बज रहे हैं हथौड़े, दम दम बचाओ। हाँ हाँ, हम मान गए हैं कि आप यमराज हैं। प्लीज चाचू को छोड़ दीजिए और शांत हो जाइए, और ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। हम
हमारी भविष्यवाणी की किताब फंटूस नगर में कहीं गिर गई है। हम उसे ढूंढने ही यहाँ आए हैं। हम आपकी मदद करेंगे, पर क्या आप हमें कुछ क्लू दे सकते हैं? जैसे कि हाँ, क्या आपको आगे की कोई भी भविष्यवाणी याद है? हमने आगे की कुछ भविष्यवाणियाँ पढ़ी तो थी, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। ओफो चित्रगुप्त, तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब जाएगी? जिज्जे, देखो इसमें लिखा है कि एक बड़ी चट्टान फंटूस नगर के पुराने टाउन हॉल पर गिरने वाली है। हम चाचा भतीजे को वहीं बुला लेते हैं, चट्टान उन पर ही गिरेगी। हेलो चाचा, हमारे पास आपके लिए एक नया केस है। क्या आप अभी फंटूस नगर के पुराने टाउन हॉल पहुंच सकते हैं? भतीजे को भी साथ लेते आना। ओके बाय। ओ जी, हम अभी आए। ओए भतीजे, मैं अंदर जाकर उनसे मिल के आता हूँ, तू यहीं रुकना। पता नहीं कोई मिलने के लिए इस पुराने टाउन हॉल में क्यों बुलाएगा, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। पुराना टाउन हॉल? रुको, मुझे पहली भविष्यवाणी याद आ गई। इस टाउन हॉल पर एक बड़ी चट्टान गिरने वाली है। क्या? नहीं, चाचू अंदर है। यमराज जी, अगर आपको भविष्यवाणी की किताब चाहिए तो चाचू को बचाना होगा। अपनी गदा का इस्तेमाल कीजिए। अंदर तो कोई नहीं आया। फंटूस नगर के सिटी सर्कल पर किसी जानवर का हमला होगा। हेलो चाचा, अगर आपको एक नया केस चाहिए तो जल्दी से सिटी सर्कल आ जाइए, अभी भतीजे के साथ। ओके बाय। उसने हमें सिटी सर्कल बुलाया है। सिटी सर्कल? अरे हाँ हाँ, दूसरी भविष्यवाणी भी याद आ गई। फंटूस नगर के सिटी सर्कल पर किसी जानवर का हमला होगा। ओए, ओए, मैं वहाँ शिकार बनने नहीं जाऊँगा। चाचू, जो आदमी आपको फोन कर रहा है वो उसी जगह पर बुला रहा है जिसका जिक्र भविष्यवाणी की किताब में हुआ है। इसका मतलब वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है और भविष्यवाणी की किताब उसी के पास है। तो चलो जाकर उस भविष्यवाणी की किताब वापस लाते हैं। चाचू, आपको सिटी सर्कल जाना होगा। अब तक चोर आपको अपने जाल में फंसाता रहा, इस बार हम चोर को फंसाएंगे और उससे भविष्यवाणी की किताब भी वापस ले लेंगे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। आज तो हम भी झूला झूलेंगे। चाचू, आपको सताने वाले और कोई नहीं, डंका ढोलकी ही है। यमराज जी, आपकी किताब। ये यमराज जी कहाँ चले गए? मैं झूले में फंस गया हूँ, जरा पीछे से धक्का तो देना। यमराज जी, इस गदा का वजन बहुत है, इसे हमें दे दीजिए वरना आपका झूला रुक जाएगा। चाचू, मैं डंका ढोलकी को किसी तरह यहीं लाता हूँ, तब तक आप यमराज को बिजी रखिए और ध्यान रहे ये कहीं और ना चले जाएं। हाँ।
भविष्यवाणी की किताब मेरे हवाले कर दो वरना। कहाँ चला गया वो आदमी? लगता है हम सीधे यमलोक पहुंचने वाले हैं। बचाओ! बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। फंटू श्रीनगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। Oh, my God.